कि शरीन के एक्सेंट के बारे में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर एक्सेंट? मैं क्या, गुड गुड मॉर्निंग, किदा हो जी? बढ़िया, मैंने पता था तुसी बैठे होने हो बाहर, टाइम आया उठ के ले आवा रोटी। अच्छा देखो, हाँ जी की गल? मुछियां बड़ी वधिया हो गई हैं, तुसी की गल? Hey guys, welcome back to my vlog channel Sardar Kazam. My name is Harshdeep Ahuja और आज है 5 अक्टूबर, बज गए हैं दोपहर के 2 और आज मेरे को भाई स्क्रिप्टिंग करनी है। थोड़ी सी लाइट आ जा भाई अंदर। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे पेरेंट्स आफ्टर वॉचिंग न्यूज़, तो जिसने अभी तक नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक आउटडोर वीडियो शूट करेंगे, जो कि मैंने पिछले महीने भी प्लान किया था एंड आई एम रियली वेरी सॉरी वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्क्रिप्ट। जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी जाके, आई वॉज नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द स्क्रिप्ट। उसकी एक एंडिंग अच्छी नहीं थी, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि उस पर एक बार दोबारा से काम किया जाए। तो अभी राइट नाउ आई एम गोइंग टू पिक शरीन फ्रॉम हर हाउस और हम दोनों यहीं पे वापस आएंगे घर पे और उस स्क्रिप्ट का डन करने वाले हैं, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी उसको शूट करूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस भी कम हो रखा था शूट को लेके, लेकिन जैसे ही अभी मैंने एक वीडियो दी है अपनी घर वाली, जो वीडियो निकाली है, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आ गया है। तो राइट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड जल्दी जल्दी स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग डन करके फिर वो शूट करना है। एंड आई एम रियली यू नो एक्साइटेड टू शो यू द बिहाइंड द सीन वीडियो। जो जैसे मैंने इसकी BTS बनाई थी, वैसे मैं उसका भी एक BTS बनाना चाहता हूँ आउटडोर शूट का, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हम लोग आउटडोर शूट करते हैं तो वो कैसा होता है। ठीक है, स्टे ट्यून। हाँ ये तो फिर आप लोग देख सकते हो, एनी ठंड हो रही है बाहर, तो बाहर ना निकलो, हाँ निकलो तो कंबल लेके निकलो एंड मेक श्योर टू वेयर ट्रैक पैंट्स लाइक हर्षदीप। या ठंड ऊपर ऊपर लग रही, नीचे नीचे नहीं लग रही। और शरीन कितना फिर? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पर आपसे यार एक क्वेश्चन है मेरा। वीडियो कब आ रहा है? वीडियो अभी तो निकाली है, परसों देखी नहीं गया। वो वाली देख ली। आउटडोर शूट कब हो रहा है? आउटडोर शूट कब हो रहा है? अब आज जैसे उसकी स्क्रिप्ट डन करेंगे फिर शूट कर देंगे फटाफट से। अब ये आप देख लो, जब भी हम लोग साथ में होते हैं हर्षदीप यही बोलते हैं हमेशा। मैं इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, मुझे अटैक मत करा करो, हर्षदीप को अटैक करा करो। मैं घर से निकलने से पहले एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ लोगों को कि क्यों नहीं आ रही थी वीडियो, ठीक है, और अब क्यों आएगी वीडियो उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। वो एक्सप्लेनेशन मैं देखूंगी इस व्लॉग में। हाँ जी, तो वी आर बैक एट होम और आज ब्लैक कॉफी बनेगी। यस, ब्लैक कॉफी पी जाएगी स्क्रिप्टिंग के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज पहली बारी इस मशीन के अंदर दो बनने वाले, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, प्रिविलेज फील हो रहा है। आई फील वेरी स्पेशल राइट नाउ। अगर तीन बनती, अगर कोई और होता यहाँ पे, वो जस्ट नहीं, वो कुछ भी ना होता उस चीज को, वो कुछ भी ना होता, बट आज पहली बार ही इसमें दो कप की बनने वाली, इसको पहले धो लूं यार अच्छे से। मैंने भी दो दिन से नहीं पी कॉफी। शेफ हर्षदीप अहूजा चैनल, देख लो जी कॉफी बनाना, जिसको नहीं आता वो मैं सिखा देता हूँ। कुछ भी नहीं करना होता, कॉफी मशीन में पानी डालना होता, कॉफी डालनी होती है। ये भी नहीं हो सकता तो आलसी हो तुम। छोटा चम्मच ले लिया मैंने कॉफी का, सो अ टीस्पून। हाँ इतनी ना फेवर से, ज्यादा कड़वी तो नहीं चाहिए ना? ना किसे चाहिए यार ज्यादा कड़वी। आई एम अवेक, कड़वी चीजों की आदत थी हो चुकी है। ओह नो, पंक सेड लाइफ, एस ई डी एल आई वाई, सेड लाइफ। ये भी वैसे खत्म हो गया, लेकिन इट्स लाई। हां अपने पास पड़ी हुई ग्राउंड कॉफी के 3-3 डब्बे, ये वो बैरल बीन्स आई थी, ये नेस्कैफे की नहीं है, इसमें वो बैरल बीन्स वाली कॉफी रखी हुई है। तो हम लोग बाहर क्यों नहीं गए आज, मतलब स्क्रिप्टिंग करने के लिए, उसके दो रीजन थे। पहला रीजन ऑब्वियसली कोरोना वाली चीज, इतना सेफ नहीं है बाहर। दूसरी चीज ये कि मेरे को यार अच्छा नहीं लगता बाहर, मैं जाऊँ तो मैं बिना टर्बन के जाऊँ, और मैंने टर्बन क्यों नहीं पहनी? वैसे मैं व्लॉग भी आजकल टर्बन पहन के कर रहा हूं। इसका भी रीजन है कि आपने टर्बन क्यों नहीं पहनी? बिल्कुल रीजन है इसका, मैं बताता हूं। सुनिए जी, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैं टर्बन जो उसकी पोनी करता था अलमारी के साथ, अलमीरा की तरह करता था। वो अलमीरा भी आई नहीं है, वो आएगी कल शायद, मेरी बात हुई थी तो वो कल आएगी और वो मेरे को करनी पड़ती है। अदरवाइज अगर मेरे को भी पगड़ी पानी थी तो मुझे हेल्प लेनी पड़ती मम्मी की, और मम्मी अभी सो रही थी तो उनको बॉदर नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा मैं पगड़ी नहीं बांधूंगा,
तो हम जाके कहीं बाहर बैठेंगे किसी कैफे में, लोग मिलते हैं, कोई आता है, अच्छा नहीं। अब आप मुझे बताओ, इतना बंदा अपने आप को कौन एक्सप्लेन करता है जो गलत होता है? गलत नहीं होता एक्चुअली मैं लोगों को पता होना चाहिए कि हम अब व्लॉग में क्या होता है, जो हम करते हैं उसका रीजन पता होना चाहिए लोगों को क्यों कर रहे हैं। तो दैट इज वाई मतलब मेरे को बहुत लोगों के एक्चुअली मैसेजेस भी आते हैं कि आप टर्बन में बहुत अच्छे लगते हो, सो आई वांट टू व्लॉग इन टर्बन। यार मेरा मैं चाह रहा हूं कि मेरी एक रूटीन सेट हो जाए कि मैं सुबह उठूं, यार हम चाहते हैं अलमारी आ जाए। हां यार अलमारी आए फटाफट से, ताकि मैं सुबह सुबह उठूं, टर्बन बांध दूं और अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू करूं। ढाई कप बन गए, आधा कप रह गया, हम डेढ़ डेढ़ कप पीने वाले हैं, एक एक कप नहीं है। Oh my God, मैं एक ही पीने वाली हूं। कॉफी वैसी कम डली है। बोली मैंने हाफ ही पी वैसे। मैं एक आंख खुलती है, मेरी एक आंख की नींद पूरी होगी, दूसरी से डॉक्टर को भेज देगा। मेरा प्लान कैंसिल, आप दो कप पी लो। ला 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 ला। कड़क है। 98.3 Oh my God, you got it from the radio station. मैंने एक शो किया था रेडियो मिर्ची में। हाँ जी, आधी चीजें तो घर में ऐसी ही है, मैं आपको बता रही हूँ। सब फ्री है, हमारा सब फ्री। ये देखो मैग्नेट्स, हमें फ्री है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये कहाँ से आई है? ये फेसबुक के इवेंट से आई थी तीनों, और ये स्नैपचैट के इवेंट से आई थी, ये दुबई से। फ्री फ्री फ्री। अब जब अपने पैसे खर्च करना पड़ता है ना, तो बड़ा चुभता है, पैसे लग रहे फ्री में नहीं मिलेगा। तो हर्षदीप के घर का हाफ डेकर तो फ्री है। ऐसी बात नहीं है। थैंक्स टू फेसबुक, स्नैपचैट, वो पड़े ना मेरे कान के चश्मे। अच्छा एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं जो कि मैंने नोटिस करा है। मेरी मेन चैनल की वीडियो पे भी कल परसों मैंने देखा किसी का कमेंट आया हुआ था, बहुत पुरानी वीडियो थी हमारी। अच्छा। कि शरीन के एक्सेंट के बारे में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर एक्सेंट? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। देखो अभी जब मैंने स्टार्ट किया था हर्षदीप के साथ, तब मेरी हिंदी एक्सेंट भी मतलब बहुत ज्यादा एक्सेंट आती थी मेरी हिंदी में भी ना, बट आई वर्क रियली हार्ड ऑन इट एंड मैंने बहुत ज्यादा टेम डाउन कर दी। तो अब हिंदी तो मेरी इंडियंस जैसी आने लग गई, है ना, बट देयर इज दिस थिंग अबाउट इंग्लिश कि मैं इससे ज्यादा टेम नहीं कर सकती। लाइक इवन व्हेन आई स्पीक स्लो, वो वाला एक्सेंट आएगा क्योंकि मैं बाहर पढ़ी हूँ यार शुरू से। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि शरीन was not brought up in India. Yeah. ये बहुत लोगों को नहीं पता है, इसलिए उनको लगता है कि ये fake accent है, accent बना रही है, so it's not like that. तो accent वाली जो story है, जो लोग main channel पे जिन्होंने देखी होगी या vlog में भी देखा होगा, उसमें एक बार जब हमने vlog भी shoot करा था तब भी कुछ लोगों ने बोला था, तो मैंने comment पढ़े थे, but मैं usually respond नहीं करते क्योंकि justification देने का कोई इसमें मतलब नहीं है, but I thought we should discuss about it. कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, like you know, आपको एक इंसान के बारे में नहीं पता, and then you go and comment, like we are working really hard, you know, to entertain you guys, and कभी कभी आप लोग बहुत rude हो जाते हो, आपको पता भी नहीं होता। हाँ मतलब जिनको नहीं पता होता वो लोग कई बार लिख देते हैं, तो बस ये है। मोस्टली हम ये रखते हैं कि यू नो अगर हम यहाँ पे आए हैं तो ऑब्वियसली देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ हेटर्स, है ना, राइट, तो हम हमेशा रखते हैं ये थिंकिंग कि वी डोंट केयर। मतलब हेटर्स भी नहीं बोलूंगा, कई लोग बस ऐसे मजाक मजाक में लिखते हैं, मे बी उनको नहीं पता इसलिए वो लिख देते हैं। एंड इट्स रूड यार, लाइक व्हाट्स फेक, आपको पता ही नहीं है, लाइक आई कैन नॉट टेम इट डाउन एनी मोर। लाइक ये जो मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज द स्लोएस्ट आई कैन स्पीक, बट उसमें एक्सेंट होगा बिकॉज आई डिडंट स्टडी इन इंडिया। So, ऐसे ही इसको एक्सेप्ट कर लो, और हम भी इस चीज के लिए अब थोड़ा सा जोक करना बंद करेंगे, बिकॉज नाउ इट इज बिकमिंग अ सीरियस थिंग। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड नाउ, थैंक यू, शुक्रिया। चलो जी लेट्स गो, चलो मम्मी छोड़ के आ रहे हैं। चलो कितना, एक टोंड तोंद निकली जा रही है वैसी। हाय किरू, बैठी है? हाँ जी। कौन बैठा है ये? हाय किरू। ओए ओए, आज तो मेरी मुंह नहीं, वो ये बोली नहीं है, नहीं ये बोली नहीं है, कहाँ है वो? सम शी इज समवन एल्स। हाँ ये अलग अलग हैं। नाउ यू जस्ट समबडी दैट आई यूज्ड टू नो। ये एक्चुअली मैंने बताया था ना, दो बिल्ली हैं, एक तो वो जो सुबह आती है वो अलग है, इसका टाइम शाम का है। तो इसको डालो ना खाना। अभी आके डालूंगा इसको। चलो आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आके डालता हूँ, ठीक है।
जैसे ही शेरीन को ड्रॉप करके मैं घर आया, तो जैसे मैं गाड़ी लगा रहा था तो सामने मम्मी खड़ी थी, और मम्मी की शक्ल देख के मेरे को उस पर एक चीज दिखी, 1 किलो दूध टोंड, जो कि मैं लाना भूल गया था। तब गाड़ी घुमाई है, वापस जा रहा हूँ, और अभी मम्मी भी आ रही है, तो मम्मी कह रही मैं भी आ जाती हूँ, तू तो रह नहीं दे तू।